बीते दिनों सेनारी नरसंहार के तमाम आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया और इसको लेकर अब नीतीश कुमार की सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है, जिसके बाद राजद के दलित नेता पूर्व विधायक शिवचंदर राम भड़क गए हैं। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है, क्या कुछ कहा आप सुनिए। सेनारी नरसंहार के जितने भी अभियुक्त थे, साक्ष्य के अभाव में हाईकोर्ट पटना ने सभी अभियुक्तों को रिहा करने का काम किया। इसको लेकर के बड़ी तत्परता से बिहार सरकार जो है आओ देखी न ताओ देखी और कही कि मैं चुनौती देने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, जो पटना के उच्च न्यायालय ने जो अदालत में जो रिहा जो किया है इसकी चुनौती देने के लिए मैं पटना सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय में हम जाने का काम करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ जो है कि जो सेनारी नरसंहार नहीं, इसके पहले भी बहुत सारे जो है कि नरसंहार हुए हैं, जैसे वह मियाँपुर नरसंहार हुआ, बारा नरसंहार हुआ, शंकरपुर बिघा नरसंहार हुआ, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार हुआ, इसमें भी तो हाईकोर्ट ने सभी को जो है कि साक्ष्य के अभाव में बड़ी करने का काम किया। क्या आपने किसी में भी आपने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा नहीं खटखटाया? ये उच्च न्यायालय के जो न्याय मिला है उसकी जो है कि आप सर्वोच्च न्यायालय में आपने जो है कि चुनौती देने का काम नहीं की, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप यही दर्शाना चाहते हैं कि आप बिहार के मुख्यमंत्री जी आप सबके लिए हैं, चाहे वह दबे कुचले शोषित पीड़ित जो भी लोग हैं, बिहार की जनता आपकी जनता है, बिहार की आवाम आपकी है और आपको जस्टिस करना चाहिए, सोच समझ करके या निर्णय लेना चाहिए। अगर आप जाते हैं हम स्वागत करते हैं आपका कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इसके लिए अगला आप पीछे भी जो इस तरीके की घटनाएं घटी हैं, जिस तरह के जो नरसंहार हुए हैं उसमें भी आपको जाना चाहिए। लेकिन आज क्या है, हम याद आता है लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय देने का काम किया, दबे कुचले शोषित पीड़ितों की जो आवाज देने का काम उन्होंने किया, जो शासन प्रशासन की व्यवस्था को ठीक करने का काम किया, आज उन्हीं लालू प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा है आज बिहार में जिंदा है और उसी विचारधारा के आधार पर आज गरीबों की जो है कि रोजी रोटी और इज्जत हुरमत उसको मिल रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में मैं बिहार सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दलितों के प्रति, आप दबे कुचले के प्रति आप इस तरह से द्वेषता के भाव आपको नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा दिखाना नहीं चाहिए, सबके लिए न्याय आपको बराबर है। तो आपने सुना, शिवचंदर राम है जो कि पूर्व विधायक हैं, राजद के सीनियर नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इससे पहले बहुत सारे नरसंहार हुए, चाहे वह शंकर बिघा हो या फिर लक्ष्मणपुर बाथे हो या फिर मियाँपुर मामला हो, तमाम नरसंहारों में जो दलित कुचले दबे कुचले लोग थे उनकी हत्या हुई थी, लेकिन उसमें जो लोग बरी हुए उसके लिए सरकार उनके खिलाफ चुनौती नहीं दी। लेकिन जहां पर सेनारी में जहां आरोपी जो है वह दलित थे, तो वहां पर अब सरकार जो है वह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वह दोहरी नीति अपना रही है। तो एक बड़ा आरोप शिवचंदर राम ने लगाया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर सरकार पक्ष से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है। बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।